वैसे अभी तक तुम यहाँ पर आए गए हो तो देख ही लो क्या बना है। हम जो डॉक्टर्स को अमेरिकन्स को सर्विस दे रहे हैं तो हमारा फील्ड इंडिया से बिल्कुल आ गया। तेरा बाप आया से आई थी, हमने मेडिसिन हम जो से हैं वो इंडिया से मंगवा रहे हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि हम मेडिकल की फील्ड में आगे। डेफिनेटली के वो 1.5 अरब की आबादी है तो डेफिनेटली के वो उनकी वर्थ होगी होगी ज्यादा। माँ चूक गई। पाकिस्तान जो इंडिया में सबसे ज्यादा है वो करप्शन से आगे है। पाकिस्तान करप्शन में आगे, करप्शन में आगे। क्या 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 बोला? पाकिस्तान जो इंडिया में सबसे ज्यादा है वो करप्शन से आगे है। ए बाबा रे बाबा रे बाबा, अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हराम ही समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। आपको मैं भी पाकिस्तान आ गए हैं यार। कैसे भाई कैसे यार, कैसे यार? और मुझे हमारी पाक फौज बहुत अच्छी है यार। कुछ भी फिर वो सबूत क्या है? कुछ भी दोस्तों, ये जवान पता नहीं कौन से सस्ते नशे कर गाड़ी चला रहा है और भाई सब ने आगे जाकर पलट दी। अगर भाई गलती इस जवान की भी नहीं है क्योंकि भाई ये हैवी ड्राइवर है। चावल जो इस देश की पहचान हुआ करता था, लेकिन महंगाई ने चावल को भी अपने घेरे में ले लिया। बिजली का तातुल ऐसा है कि तिब्बी अमले को अस्पतालों में टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। अब ये उजड़ा चमन बदतरीन मुआशी बहरान से दो चार है। हुकूमत के पास तेल की दरामद के लिए गैर मुल्की करेंसी की किल्लत है। तेल की कमी के बायस बिजली की भी शदीद कमी का सामना है। हुकूमत के खजाने में जो रिजर्व्स हैं उसमें कुछ भी बाकी नहीं बचा। ये ना तो तेल दरामद कर पा रहा है, ना ही दीगर अशिया जरूरत हासिल कर पा रहा है, और इस वजह से इस देश को खाने के लाले पड़ गए। इस देश को किसी की ऐसी नजर लग गई कि ये देश यकदम से अपने जवाल की जानिब सफर करना शुरू हो गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। महंगाई ने तूफान बदतमीजी बरपा कर दी है। मुल्क कर्जों में डूब रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किसी भी वक्त बदतरीन इजाफे का खदशा दिल दहला रहा है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पाकिस्तान के हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं, लेकिन इन पाकिस्तानियों को एक बीमारी लग चुकी है। उस बीमारी का नाम है जहालत फोबिया। अब आप पूछेंगे ये कौन सी नई बीमारी इजाद हो गई है। ये बीमारी सिर्फ पाकिस्तान में इजाद हुई है और इसके आविष्कारक भी पाकिस्तान में ही रहते हैं और इसके डॉक्टर भी पाकिस्तान में रहते हैं और इस बीमारी के मरीज भी पाकिस्तान में रहते हैं। तो हमारे एक पाकिस्तान में पत्रकार है शोएब चौधरी जी, जो काफी जोशीले भड़कीले पत्रकार हैं, तो वो पहुंचे पाकिस्तान की पब्लिक के पास में ये जानने के लिए आखिर पाकिस्तान हिंदुस्तान से किस शोबे मतलब किस चीज में आगे है। सो चलते हैं लोगों की तरफ और उनसे पूछते हैं कि कोई एक ऐसी फील्ड बताएं जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है। पाकिस्तानियों का जाहिलपन तो जग जाहिर है, तो आपके मनोरंजन में तो कोई कमी नहीं आने वाली है। क्या नाम है आपका? वसीम अब्बास मेरा नाम। आपका क्या नाम? नासिर। नासिर, वसीम और नासिर क्या करते हैं? ये हमारा बम फोड़ते हैं। ये हमारा कारोबार है, ये दुकान वगैरह और मकान रेंट पे देते हैं। मतलब आप रेंट हाउस वगैरह का काम करते हैं, दुकानें रेंट पे देते हैं। ज़बरदस्त, अच्छी बात है, कारोबार करते हैं। मुझे आज मेरा जो टॉपिक है ना, जिस चीज़ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की कोई एक अच्छी चीज़ तो बतानी चाहिए कि जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है। तो आप बताएं कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है? आतंकवाद में है शोएब भाई। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आतंकवाद में है शोएब भाई, इंडिया से क्या पूरी दुनिया से सबसे आगे है पाकिस्तान। कोई तोड़ नहीं है पाकिस्तान का, इसके अंदर कोई काट नहीं है इसके अंदर पाकिस्तान का। सही पकड़े हैं। तो आप बताएं कौन सी ऐसी चीज है जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है? यार हमारा पाकिस्तान बहुत आगे है, इंडिया कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में जो काम जो कुछ भी है सब कुछ अच्छा है। हमारा पाकिस्तान बहुत ही अच्छा है, इंडिया हमारे लेवल में नहीं है। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, आपके चरण कहाँ है मेरे प्रभु? आपके चरण मुझे बता दीजिए। ये जहालत की डिग्री आपको कहाँ से मिली है गुरुदेव? आपके चरण मुझे बता दीजिए, मैं उनको छूना चाहता हूँ। मैं
पाकिस्तान हर शोबे में आ गया, पाकिस्तान हर शोबे में आ गया भाई। इंडिया हमारे लेवल का नहीं है, नहीं है। कौन सी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान आ गया? आपने कहा ना कोई एक के हर चीज़ में आ गया, हर चीज़ में आ गया, तो कोई एक चीज़ बताएं ना, कोई ऐसी ऐसा कोई काम नहीं जिसमें आगे पाकिस्तान नहीं है, हर काम में आ गया। कौन सा काम है, कोई एक बता दें नाम लेके कि यार इस फील्ड में पाकिस्तान आ गया। एसरी से लगा लें, मैकेनिक लगा लें, अनपढ़ भी इधर बहुत आ गए, अनपढ़ भी बहुत आगे है, अनपढ़ भी भारतीय से आगे है। मैं इसलिए कहता हूँ कि अपने बच्चों को मदरसे में मत भेजा करो, ये जो मदरसा छाप ज्ञान होता है ना वो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, वो सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है, जैसे देख रहे हो इन जाहिलों को। जेहन से अनपढ़ भी पाकिस्तान का जो है ना वो इंडिया से आगे, ऐसा कहना है भाई साहब का। लेकिन शोबे की अगर बात की जाए, जैसे शोबे होते हैं ना, कोई कह लें कि कोई कपड़े का काम करता है, कोई इसके अलावा खाने पकाने का काम करता है, जैसे आप ये बाइक्स वगैरह का काम करते हैं, मैकेनिकल का कोई काम करता है, कोई ऐसा शोबा जिसमें पाकिस्तान आगे हो? यार हर काम में आ गया, देखना इंडिया में हर लोग पढ़े होते हैं, लड़के ये वो सारे पढ़े लिखे थे, अनपढ़ भी बहुत आगे है। यानी आप ये मान रहे हैं कि इंडिया के लड़के पढ़े लिखे होते हैं लेकिन हमारे यहाँ के अनपढ़ हैं, लेकिन वो आगे हैं? बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं, ठीक है, हर काम में। ये सही बोल रहा, पाकिस्तानी बहुत आगे है, बहुत आगे है, बहुत आगे भाई। इनको एक दो हूरे, 10-12 हूरों से काम नहीं चलने वाला भाई, ये 72 हूरों तक पहुँच गई है, इतना आगे, इतना आगे, इतना आगे, जाहिल कह। लेकिन अब मैं इन्हें क्या बताऊँ, मुझे तो नहीं समझ के मैं कैसे इनकी दुरुस्ती कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन मैं जो पूछना चाह रहा था वो ये पूछना चाह रहा था कि कोई ऐसा शोबा, और शोबा कोई फ़िलहाल ऐसा नहीं मेरे ख्याल में, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ये बिल्डिंगों का आपका काम है ना, बिल्डिंगों की बात की जाए कि बिल्डिंगें किधर की अच्छी हैं, या पढ़ाई किधर की अच्छी है, या मेडिकल या जो हॉस्पिटल हैं वो किधर के अच्छे हैं, तो वो इंडिया देखें ना। बिल्डिंगों की बात कर रहे हैं, जो इधर के पाकिस्तान के लोग हैं ना, उनको कहना है कि ये बिल्डिंग बनानी है, उन्होंने डंडे वगैरह भी लगा के अपनी बिल्डिंग बना देनी है, उधर मशीनें हैं, वो अपने मशीनों के साथ काम करते हैं, इधर के लोग जो है वो बहुत फास्ट है, पाकिस्तान बहुत आगे है, पाकिस्तान बहुत आगे है। बिल्कुल ये बात इन्होंने, एक बात उन्होंने ठीक की है कि इधर जो है जितने भी वसाइल हैं, पाकिस्तानी कोशिश करते हैं उन वसाइल के अंदर रहकर बेहतर काम कर सकें, ठीक है। लेकिन जो अगर अथेंटिक इसका आंसर यही है कि हर फील्ड में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, मेडिकल की बात की जाए, इकॉनमी की बात की जाए, इंजीनियरिंग की बात की जाए, या फिर स्टडीज़ की, एजुकेशन की बात की जाए, तो इंडिया आगे है। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये मेरा भाई की जो इन रिपोर्टर साहब की भी आत्मा चीख उठी है, वो भी बार बार चीख चीख के ये बोल रही, किन जाहिलों में फंस गया भाई मैं आज, किन जाहिलों में, हर चीज़ में पाकिस्तान आ गया, हर चीज़ में। आपने बहुत 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 जाहिल देखे होंगे, लेकिन अगर इनसे बड़ा जाहिल देखा हो ना तो कमेंट में बता दो भैया कि नहीं, हमको इससे भी बड़ा जाहिल मिला है। मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं, मैं काफ़ी टाइम लगाता हूँ अपने कमेंट्स पढ़ने में, बहुत सारे जनों को लाइक भी देता हूँ, जहाँ मुझे रिप्लाई करने का होता है मैं रिप्लाई भी करता हूँ। मोस्टली काफ़ी लोग ये कमेंट करके जाते हैं कि हम पाकिस्तान मीडिया इसलिए देखते हैं ताकि हम बोर हो रहे थे, मैं थोड़ा सा उदास हो रहा था तो मैंने पाकिस्तान मीडिया सर्च कर लिया, और मुझे मनोरंजन की ज़रूरत थी तो मैंने पाकिस्तान मीडिया देख लिया। बहुत सारे उनमें से बहुत सारे कमेंट ये भी होते हैं कि मैं जब भी बोर होता हूँ तो मैं पाकिस्तान मीडिया देख लेता हूँ, जब भी मुझे हंसने का मन होता है तो मैं पाकिस्तान मीडिया खोल लेता हूँ। और काफ़ी लोग तो कपिल शर्मा के शो को भी बद से बदतर बता देते हैं इन पाकिस्तानियों के आगे, तो आप समझ सकते हैं इनकी झालत का हिंदुस्तानी कितना आनंद लेते हैं। तो दोस्तों आपको इन जाहिलों के बारे में क्या कहना है, जो कहना है सुनना आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, आप भले वीडियो को लाइक ना करें, भले आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब ना करें, लेकिन एक शेयर जरूर कर दिया कीजिए। भाई ने बोला करने का तो करने का। पाकिस्तानी रिपोर्टर है शोएब चौधरी, इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहो तो इनका चैनल जाके विजिट कर सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए 5 मिनट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।